वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतल प्रसाद ओझा जी को आप जानते ही होंगे और उन्होंने दावा किया है कि परीक्षा आपकी फरवरी तक करा ली जाएगी। एक बड़ी सूचना उन्होंने दी है अभी अभी थोड़ी देर पहले। अभी मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि सभी छात्र सचेत हो जाएं और अपनी तैयारी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 2 महीनों का और समय है। जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी के शुरुआत में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इसकी पूरी तैयारी चयन बोर्ड में चल रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये सूचना दूं। और क्या बातचीत हुई है आप खुद सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग जो अभी कुछ मिनट पहले की ही है। तो बात करते हैं शीतला प्रसाद ओझा जी से कि इनकी क्या राय है एग्ज़ाम पर। अभी हाल ही में ये चयन बोर्ड पर गए थे, तो बताइए शीतला प्रसाद ओझा जी क्या न्यूज़ है टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम को जी लेकर। सर, बोलिए सर। कोई न्यूज़ है एग्ज़ाम को लेकर? सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम होने जा रहा है फरवरी में। जी हाँ, परीक्षा हमने आपसे बहुत पहले भी जब आप कॉल किए थे मेरे पास तो मैं आपको पहले ही बताया था कि माननीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली है और परीक्षा जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट सप्ताह में, और मतलब 15 फरवरी के अंदर, 20 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के अंदर परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। कितना चांसेस है कि हो जाएगा? चांस 110% हम मान करके चल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानाचार्य के रिजल्ट को लेकर के जो सन 2013 से रिजल्ट हुआ था, ये क्या कहते हैं, रिजल्ट को लेकर के वो 4 सदस्यीय टीम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में गठन करके उनका साक्षात्कार करके गठन कर लिया गया है, ठीक, 4 सदस्यीय, और उनका उसी के आधार पे माननीय न्यायालय का आदेश भी था। देखिए कि 13 का रिजल्ट जो प्रमाण है आपके सामने, रिजल्ट साक्षात्कार हुआ और रिजल्ट भी घोषित हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जो भी 14 लाख अभ्यर्थी हैं, मैं उनको सीधे सी बात खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतियोगी भाई बहनों के साथ कभी भी अन्याय गलत नहीं होना चाहिए। सभी भाई बहनों से मैं अपील करता हूं कि आज से ही लग करके पूरी जम करके तैयारी करें, पूरे मनोबल के साथ, पूरे जोश के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हैं, पद भी बहुत कम है। पद तो काफी कम है और कंपटीशन 41 और 63 पद हैं, जबकि प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं कि जहां पर अच्छा खासा पद खाली है। उसके लिए भी प्रयास प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया जा रहा है कि पद पोर्टल खुले और जुड़े पद, और हमने ऐलान भी किया कि अगर 15 दिसंबर तक जो है चयन बोर्ड अपनी स्थिति को साफ नहीं करता है जी, तो हम अब आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी। अब ना आदरणीय अध्यक्ष जी से ना डिप्टी सचिव से भी मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारी केवल स्पष्ट स्थिति को कोई साफ नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा 110% हो जाएगी। अच्छा। और परीक्षा जिले स्तर पे होगी कि मंडल में होगी ये चयन बोर्ड ही बता सकता है, और जल्द ही चयन बोर्ड में मीटिंग एक होने जा रहे हैं। अच्छा, तो कम से कम यानी 1.5 महीना तो कम से कम है एग्जाम में जी, कम से कम 1.5 महीना तो है, पूरा दिसंबर 2 महीने लगभग मान के चले। हाँ, 2 महीने अगर जनवरी लास्ट तक भी होता है तब भी 2 महीने है। हाँ, नहीं अब आज से जोड़ लीजिए आप, लेकिन परीक्षा मैं आज के 15 दिन पहले भी आपको बताया था, 20 दिन पहले कि परीक्षा हो जाएगी। उसमें कोई जो भी लोग बताते हो, तमाम लोग बता रहे हैं कि कोई स्पष्ट स्थिति, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा हो जाएगी। चेयरमैन साहब, चूंकि 8 तारीख को माननीय वीरेश कुमार जी यहाँ से जा रहे हैं, 8 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है, ठीक, और कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है, अध्यक्ष चाहता है तो सब कुछ करा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। और जब हम शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि परीक्षा हम इस विज्ञापन को फाइनल करेंगे बहुत जल्दी ना, तो हमारी यही मांग है कि अगर 15 दिसंबर तक तारीखों का ऐलान नहीं होता है, तमाम प्रतियोगी भाई बहनों के मन में ये सवाल चल रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं, परेशान हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि क्या भैया परीक्षा होगी या नहीं होगी, तमाम लोगों के मन में जो सवाल हैं उन सवाल को दूर करते हुए अपनी तैयारी में जम करके तैयारी करें और
ना हम लोगों को भी परेशान करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि परीक्षा वो करा ले जाएंगे। अगर 15 दिसंबर तक ऐलान नहीं होता तो एक बड़े आंदोलन का आगाज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किया जाएगा। और सभी भाई बहनों से आह्वान है कि चयन बोर्ड का पोर्टल खुले, जब तक कि मान लीजिए परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं कर रहे हैं ना, चयन बोर्ड अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। अभी आप देखते होंगे कि लोक सेवा आयोग में पिल्टी शिक्षा निदेशालय में आज 3-4 वर्ष से जो है लंबित मामला शासन स्तर पे चल रहा है, ठीक है। वही चीज हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं वो मेरी आत्मा ही जानती है कि हम कितना मेहनत करते हैं। प्रयागराज में जरूर रहते हैं, इस बेरोजगारी को देखते हुए और निदेश कभी निदेशालय जाते हैं, कभी चयन बोर्ड जाते हैं, कभी लोक सेवा आयोग, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, कहीं कहीं भी सचिवालय जाते हैं। शासन स्तर का की LTGIC का भी विज्ञापन है, जल्द से जल्द उसकी परीक्षा हो, चूंकि हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे प्रतियोगी भाई हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं और लोक सेवा आयोग 40 साल तक उम्र की ही आयु सीमा मांग कर रही है, मानती है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से हम अपील करते हैं कि जो लोग कहते होंगे कि परीक्षा नहीं होगी या होगी, जिनके मन में सवाल ये चल रहे हैं, उन सवालों को शांत पूर्वक कर करके अपनी तैयारी करें जम करके, और परीक्षा हो जाएगी 110। फिर मैं आज कह रहा हूँ, फिर भी मैं कहूंगा, आज के 3 महीना बाद भी मैं बताऊंगा किसकी सूचना जो है ऑथेंटिक होती, कैसे क्या। हम ना कोई नेता है ना कोई मंत्री है, हम एक प्रतियोगी छात्र हैं। प्रतियोगी छात्र होने के नाते प्रतियोगी भाई बहनों की आवाज उठाते हैं और उठाएंगे हर समय, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी क्योंकि बेरोजगार ही बेरोजगारों का दर्द समझ सकता है सर। बिल्कुल ठीक। इसी वाणी के साथ मैं विराम करना चाहता हूं। प्रदेश के जो भी 14 लाख हमारे भाई बेरोजगार भाई नौजवान साथी हैं, मैं उनको खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी की सबकी बात को इग्नोर करते हुए आप अपने तैयारी में जुट जाइए, ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के 3-4 चैनल एक ऐसे हैं कि जो ऑथेंटिक और प्रमाणित सूचना देते हैं, जो वास्तव में हम लोगों से बात करते हैं, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उन 14 लाख परिवार तक पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए प्रदेश में। या तो हमारे पास जो भी सूचना है, हमारा जो दायित्व है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, इसलिए हमें लोग न डिस्टर्ब करें। हम अपने भाई बहनों से, लोग फोन करके परेशान हैं कि सर बताइए क्या है, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लोगों के मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना, तो चयन बोर्ड बहुत जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने जा रहा है और सारी स्थिति जो है साफ हो जाएगी। चयन बोर्ड की जो भी वो सूचना है वो सब साफ हो जाएगी। इसलिए राजस्थान की भी परीक्षा है 24-25 दिसंबर में, वहाँ भी लोग लगे हैं, अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। और मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से और ये जुमलेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। तैयारी 3 महीने के लिए तैयारी रहेगी तो होगी, 110% होगी, तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि NVS का भी है, KVS का भी है, तमाम परीक्षाएं हैं। आप वैकेंसियों का आलम देख ही रहे सरकार में, कि जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4,163 पदों पर विज्ञापन दिया है, क्या मुझे मंजूर है, बताइए। नहीं, हम अपने लिए संघर्ष करें कि पूरे प्रदेश के लिए, बताइए, आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग जब भी आंदोलन की, लेकिन अब की जो आंदोलन होगा हमारा, उसमें आंदोलन ये रहेगा कि हम तब तक नहीं हटेंगे कि जब तक पोर्टल नहीं खोला जाएगा और जब तक परीक्षा तारीख का ऐलान नहीं किया जाएगा और चयन बोर्ड का गठन नहीं होगा। अब हम एकदम कसम खा लिए हैं, चीजों को आप समझ सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से फैसला लीजिएगा। आप खुद ही पढ़े लिखे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।